मैं सचिन शिवानंद फ्रॉम मेरठ। गुरुजी के अध्यक्षता में मैं पास्ट लाइफ में गया और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार वहाँ पे गए थे और पहले जन्म में मैं एक मुस्लिम था और करीब 60-65 साल की उम्र में मेरी डेथ हुई। तो ये जो डर था दिमाग में कि मृत्यु का डर, वो खत्म हो गया कि पहले मैं मॉर्मन था, अब मैं हिंदू हूँ और कहीं मैं नूरपुर में रहने वाला था। एक्चुअली मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जाने का, वो ये था कि लगता था कि 100 रुपये भी बहुत होते हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया, टू बी वेरी ट्रू, तो वास्तव में बाहर स्टॉल में जब मैंने देखा कि क्रिस्टल्स रखे हुए हैं और मैं उनका रेट पूछा, उन्होंने कहा कि 100 रुपीज का है। मुझे लगा कि चलो अगली बार ले लेंगे। उसके बाद फिर सर का मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मुझे मैंने रेकी सीखा, फर्स्ट लेवल सीखा, और यहाँ से जाने के बाद में लाइफ में इतना चेंज मिला फर्स्ट लेवल के बाद में, जो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अब आगे बढ़ना है इसमें। उसके जस्ट बाद में सर की वर्कशॉप थी पूर्व जन्म की, मैं उसमें गया और ये जानना चाहा कि किस मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे फाइनेंस नहीं मिल पा रहा इतना एफर्ट के बाद भी। और वहां पे मैंने देखा कि मैं एक मुस्लिम हूँ और एक किसी मजार पे बैठता हूँ, टोपी लगाता हूँ, मजार पे बैठता हूँ, मुझे ड्यूटी दी गई है कि मजार पे आपको जो भी चढ़ावा आता है, जो भी चीजें उन सबको अरेंज करना है। तो मैं क्या करता था, उस जन्म में भी मुझको फाइनेंस का प्रॉब्लम था और मैं उसमें से कुछ पैसे चुरा लेता था। तो मुझे लगा कि वास्तव में ये मेरा कनेक्शन वहां से चला रहा है। और सर की ब्लेसिंग से फिर मैंने उस जन्म में वहां पे माफी मांगी, उस मजार से माफी मांगी कि भाई मुझे माफ कीजिए, प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने चुराया। और उसके बाद से फिर जो लाइफ में चेंज आया है, नाउ आई कैन से आई हैव ईच एंड एवरीथिंग और विद इन 2 इयर्स, इन दो ढाई साल में अब मैं कह सकता हूँ मेरे पे एक अच्छा बैंक बैलेंस है। जो मैं सोचता हूँ वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं तनिष्क में गया था और दोनों ने मेरे से पूछा कि कौन सी डायमंड रिंग, मतलब आपका रेंज क्या है। मैंने कहा आप अपनी रेंज दिखाओ। इट इज जस्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ। और कई चैनल्स पे मेरे प्रोग्राम आए, उनको भी लाखों रुपया हमने दिया। तो ये सारा जो भी कुछ था वो मतलब पूर्व जन्म की वजह से था और सर की ब्लेसिंग्स थी। तो मैं तो सर के लिए बस इतना ही कहता हूँ कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा और तुम ही देवता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।